आज प्रयागराज के कार्यकर्ताओं ने केशव जी के आदरणीय केशव जी के आवास के सामने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ ढोल ताशे नगाड़े के साथ यहाँ पर जश्न मनाया। यहाँ पर आज हम लोगों ने होली और दीपावली का त्यौहार एक साथ आज मनाया, क्योंकि आदरणीय केशव जी को एक बार पुनः योगी सरकार में वही दायित्व, डिप्टी सीएम का दायित्व मिला है और आदरणीय शीर्ष नेतृत्व को और प्रदेश नेतृत्व को हम लोग बारम्बार हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं कि ऐसे आदरणीय हमारे उत्तर प्रदेश के सौर्य आदरणीय केशव मौर्य जी को एक बार पुनः उन पर विश्वास जताते हुए इस योगी सरकार में उनको यह दायित्व दोबारा मिला, क्योंकि आदरणीय केशव जी के प्रयास को, उनके परिश्रम को यह जनता नहीं भूल पाई है और ना ही शीर्ष नेतृत्व ने उसको महत्व दिया। मतलब शीर्ष नेतृत्व ने उस कार्य को महत्व दिया और उन्होंने देखा कि आदरणीय केशव जी 403 विधानसभा में लगातार उन्होंने बिना किसी रुकावट के चारों तरफ प्रचार किया और उसी का आपको परिणाम भी देखने को मिला कि 403 विधानसभा में से हम लोग 373 विधानसभा में जो सीटें मिली उसमें आदरणीय केशव जी का भी परिश्रम सम्मिलित है। उसको सम्मान देते हुए केंद्र की नेतृत्व ने और प्रदेश के नेतृत्व में एक बार पुनः उनको डिप्टी सीएम का दायित्व दिया है और सारा हमारा कार्यकर्ता बहुत प्रसन्नचित है, हर्षित है, उल्लासित है और बारंबार धन्यवाद देता है अपने शीर्ष नेतृत्व को। और हम लोग भी आज अपने को इतना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि लग रहा है कि हम सभी डिप्टी सीएम बन गए हैं और इस प्रयागराज की जनता सब बहुत 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 खुश है और हम लोग आज अब अपनी खुशी को बयान करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। Thank you.